और डेटा पॉइंट आपको दिखाते हैं इंडिगो के शेयर के बाद यानी रिजल्ट्स के बाद किस तरह का एक रिएक्शन बाजार ने इंडिगो के स्टॉक पे दिया। रिजल्ट्स खराब आए लेकिन फॉरवर्ड गाइडेंस अच्छी आई है। तो एक्चुअली बियर्स और बुल क्या रीजंस पिक कर रहे हैं आज इंडिगो पे अपनी अपनी स्ट्रेटजी प्ले करने के लिए, ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट हमारे सामने शरद और सौमित लेकर आए। पहले इसे विजिट कर लेते हैं फिर संदीप से इस पर राय लेंगे। तो मैं पहले बुल के बारे में बताऊंगा और फिर शरद हमें अब जो नेगेटिव या बेयर जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो अगर पॉजिटिव्स में अगर हम देखते हैं इंडिगो में, तो सबसे पहला ये है कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया। अब उन्होंने कहा है FY23 में जो कैपेसिटी ग्रोथ होगा वो करीब 55-60% होगा ऑन अ YOY बेसिस, बट अगर हम प्री कोविड लेवल से देखते तो 13-17% है। इसका मतलब ये होता है कि इंडिगो FY23 में एक वापस से डबल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। उसी के साथ अगर हम देखते तो जो यील्ड का कॉमेंट्री था, यील्ड अब एक यील्ड का मतलब होता है पर किलोमीटर पर फेयर पैसेंजर जो कंपनी कलेक्ट करता है उसका मतलब होता है यील्ड। अब की यील्ड के बारे में भी कमेंट्री काफी पॉजिटिव थी, मंथ ऑन मंथ कंटिन्यूअसली वो ग्रोथ देख रहे हैं अप्रैल और मई महीने में, तो ये भी एक पॉजिटिव कमेंट्री अर्निंग्स कॉल से कल आई थी। उसी के साथ कंपनी क्या कर रही है, पिछले एक साल से अपने जो पुराने एयरक्राफ्ट है पुराने A320ceos जो है उनको वो कंटिन्यूअसली रिप्लेस किए जा रही है और नई एयरक्राफ्ट ला रही है जो कि A320neo है। अब ये नए एयरक्राफ्ट आने की वजह से कंपनी का जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है और हाई फ्यूल कॉस्ट एनवायरनमेंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसी के साथ इंटरनेशनल रूट्स अभी ओपन हो गए और मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रही थी कॉन्फ्रेंस कॉल पे इंटरनेशनल रूट्स पे। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल रूट्स पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डोमेस्टिक रूट से ज़्यादा है और आगे 5 साल में इंटरनेशनल रूट्स करीब 40% ऑफ द टोटल कैपेसिटी हो जाएगा इंडिगो का। अभी ये नंबर करीब 25% के आसपास है। उसी के साथ इंडिगो की अगर आप बैलेंस शीट देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इंडिगो की बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री में और अभी के मार्केट सिनेरियो में एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक एयरलाइन कंपनी के लिए। तो ये सारे हैं पॉजिटिव्स और बुल केसेस इंडिगो के लिए, बट बेयर केसेस क्या है वो हमें शरद बताएंगे। जी बिल्कुल स्वामी, तो सबसे पहले जो लॉसेज है ना वो बढ़ चुके हैं। अब पिछले 9 क्वार्टर्स में देखें तो 8 क्वार्टर में तो लॉसेज ही दिखे हैं और अगर आप कोविड से देखें तो 13,000 करोड़ का टोटल कंबाइंड लॉस है। ये तो पहला पॉइंट हुआ, लेकिन बेयर केस में और भी बहुत सिनेरियोज है। स्पेशली जो फ्यूल प्राइसेज है वो अभी ऑल टाइम हाई पे हैं और आंकड़े की बात करें तो 66% ग्रोथ तो ETF में दिखने मिला और फिर अगर आगे देखें तो लगभग 35-40% तक जो है कॉस्ट में जो है कंट्रीब्यूशन देखने मिला है और ऑफ कोर्स रुपी में जो है वीकनिंग है। लेकिन सौमित, जो पैसेंजर लोड फैक्टर होता है वो जो है वो लोअर हुई है और एक सिंप्लीफाई अगर वर्जन में हम बात करें तो बेसिकली अगर मैं जो है फ्लाइट की टिकट खरीदने गया जनवरी में तो उसका अगर दाम 4,000 थी तो अब जो है लगभग 6,500 की हो गई है। तो ये जो होता है यूटिलाइजेशन उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। उसके अलावा एयर ट्रैफिक रिकवरी वो भी कम हुई है और जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्री रेट है उससे कम आई है। और आखिर में अगर बेयर के सिनेरियो की बात करें तो कंपटीशन में बढ़ोतरी देखने मिला है। अकासा एयरवेज जो है वो आने वाली है, गोफर्स की जो IPO है वो उसमें भी एक्सपेंशन प्लान्स की बात चल रही है और इसके अलावा जो है अन्य जो कंपनीज़ हैं एयरलाइन कंपनीज़ की उनके बीच स्पेशली जेट एयरवेज की उनको भी जो है कमर्शियल लाइसेंस मिल गया है। तो ओवरऑल कंपटीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है एयर स्पेस में। तो ये बुल वर्सेस बियर का मामला है, बस इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। शरद आप चले जाइए सौमित की जगह पर, सौमित आप चले जाइए जरा शरद की जगह पर, तो ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक बार जरा आप चल के दिखाइए वहीं से, शरद आप जरा सौमित वाली जगह पे जाइए, सौमित आप जरा शरद वाली जगह पे जाइए। आप बिल्कुल ठीक है, बुल वर्सेस बियर वाला मामला जो आप तस्वीर यहाँ पे देख पा रहे थे आपको बिल्कुल साफ साफ अच्छे से दिखेगा, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मामला टक्कर का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। संदीप आपने भी देखा ही होगा ना, कॉम्पिटिशन एक तरफ बियर बता रहे हैं कि कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, दूसरी तरफ ये पता लग रहा है कि इंटरनेशनल रूट उनका स्टेक बढ़ जाएगा। इंडिगो को 17, अच्छा नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग है 1777, 3 सत्ते पे क्या करना चाहिए सर इंडिगो? देखिए बुल, आपने जैसे इनकी पोजीशन चेंज की है ऐसे ही मार्केट में पोजीशन काफी फास्ट चेंज होती है लोगों की, जैसी चेंज पोजीशन चेंज। तो मैं कहूंगा कि आई थिंक इस इंडिगो एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और आज के दिन एक ही नेगेटिव है वो है हाई फ्यूल प्राइसेस। अब अगर आपका मानना ये है कि फ्यूल प्राइसेस हमेशा के लिए हाई रहेंगे तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि थोड़ा कॉन्ट्रा प्ले अच्छा रहेगा, एक रिवाइवल ट्रेड बहुत स्ट्रांग है इंडिगो, इंटरनेशनल ऑपरेशन जैसे स्टार्ट होंगे तो वैसे इनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा और फ्यूल प्राइसेस अल्टीमेटली
कभी ना कभी ये रशियन यूक्रेन वॉर इस साल में रिजॉल्व होगी और तब क्रूड प्राइसेस एक अच्छे खासे गिरेंगे और फिर काफी बड़ा मूव आ सकता है स्टॉक में। तो जो जिन लोगों को थोड़ा प्रीएम्प्ट करना है, थोड़ा कॉन्ट्रेरियन व्यू लेना है, वो जब थोड़ी नेगेटिविटी है तभी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है। ठीक है, सो काउंटर व्यूज तो कई बार लेने पड़ते हैं संदीप, लेकिन सही समय है या नहीं ये तो लेट द टाइम डिसाइड, बट यस वी वर एबल टू एटलीस्ट एक्सट्रैक्ट वन गुड स्टॉक फ्रॉम यू। शुक्रिया संदीप आज ये सारी बात करने के लिए, ये सारी चर्चा करने के लिए, हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत